सोमवार को सेवला क्षेत्र में भगवान परशुराम की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। ये शोभायात्रा सेवला गुरुद्वारे से निकाली गई। शोभायात्रा के दौरान भगवान गणेश एवं माँ दुर्गा समेत 12 से अधिक झांकियां शामिल रहीं। झांकियों ने सभी का मन मोह लिया। ताजनगरी में सावन के पहले सोमवार की शुरुआत 10 जुलाई से हो गई है। ऐसे में ताजनगरी का पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। जगह जगह धार्मिक आयोजन और भंडारों की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में सोमवार को सेवला गुरुद्वारे से भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा देवरी रोड बिंदु कटरा होते हुए क्षेत्र भर में निकाली गई। इस भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ श्री 1008 लोकेशानंद महाराज के कर कमलों द्वारा किया गया। ये ईश्वरी प्रेरणा हम लोगों को क्षेत्रवासियों को मिली और इसमें हमारी मुख्य भूमिका हमारे बड़े भाई सचिन पंडित सचू भैया जी की रही और हमारे अध्यक्ष पंकज शर्मा जी, सभी बड़े भाई पुनीत पारासर जी, आदरणीय कैलाश चंद्र मिश्रा जी, इन लोगों की प्रेरणा से इसका सफल आयोजन हुआ। सारे वृक्ष बंधु इकट्ठे हुए, सबने यहाँ पर प्रतिज्ञा ली कि हर साल इसी प्रकार के आयोजन किए जाएंगे जिससे प्रत्येक ब्राह्मण, चाहे वो सरयूपारी हो, कांतोक्ष हो, सनाट्य हो, चाहे वो त्यागी हो या गोस्वामी हो, किसी भी प्रकार का ब्राह्मण हो, उस सारे सूत्र को एक माला में प्रोके उसको माला का बनाने का काम। बैंड बाजों के साथ निकाली गई भव्य शोभा यात्रा में दर्जन भर से अधिक झांकियां शामिल रहे, जिसमें भगवान गणेश के साथ साथ मां दुर्गा की झांकी ने सभी को खूब लुभाया। इस दौरान भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। ज्यादातर भक्त झांकियों के साथ सेल्फी खींचते हुए नजर आए। सबसे पहले आपके द्वारा भगवान परशुराम के सभी संतान भक्तों को हार्दिक बधाई स्वागत। भगवान परशुराम शोभा यात्रा के प्रमुख अध्यक्ष जो हैं पंडित पंकज शर्मा, सचिन सच्चू भैया जी एवं सभी धर्म अनुयायी। भगवान परशुराम की अलौकिक एक दिव्य यात्रा निकली जिसमें सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। भगवान परशुराम अपने आप में एक दिव्य और तेजस्वी गौरव है। सदैव उनकी शरणागति में आकर के व्यक्ति को अपने संस्कार निर्वहन करने चाहिए। जैसे भगवान ने परशुराम की जीवन की मुख्य विशेषता रही है पितृभक्त होने का, जो उन्होंने एक भाव दर्शाया है बड़ा अद्भुत है। तो भगवान परशुराम के सभी अनुयायी हैं, सभी सनातनी प्रेमी हैं और सबने धर्म की रक्षा के लिए कलयुग चल रहा है, इसमें धर्म की स्थापना करने की बहुत ही आवश्यकता है। इसलिए विप्र बंधुओं ने सबने बीड़ा उठाया है कि हम केवल धर्म की स्थापना करेंगे। समापन शोभा यात्रा के बाद क्षेत्र के गणमान्य लोगों के सम्मान कार्यक्रम के साथ हुआ, जिसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने भगवान की प्रसादी ग्रहण कर धर्म लाभ लिया। सी न्यूज के लिए अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट।